किसने कहा सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को, तो लात मार के जूता लेके मारे हम काउंसिल के अंदर। काउंसिल में बिल पास नहीं हुई, देवगढ़ा साहब कुमार स्वामी को पकड़ के उनका ताउन लेके ये बिल काउंसिल में गिरी। बेवकूफ है ये गवर्नमेंट, बेवकूफ सरकार है ये जो है। ये लोग मीडिया के लोग जो है कुछ दिन चला दिए कि भाई इब्राहिम साहब बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी नालायक गद्दारी क्या हो सकती है। ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, 90% किसान जो है बर्बाद हो जाएंगे इस बिल की वजह से। तो ये कल कोर्ट में मैं खुद डाल रहा हूँ, रईस संघा वालों को भी तैयार किया हूँ, मंडे के दिन रिट फाइल हो रही है। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ दी, मैं खुद एक रिट मेरे नाम पे भी डाल रहा हूँ। सो व्हाट इज द रिट इज गोइंग टू बी अबाउट? दिस बिल इज रॉन्ग, दे आर नॉट पास द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो पास किया गलत है, उसको स्क्वैश करो बोल के बोल रहे हैं। आपने इस बात का खिलाफत क्यों नहीं की इस बात से? आपने क्यों कुछ खिलाफ? बाजार में हजार कुत्ते भुगते, कुत्ता आदमी को काटता है, आदमी कुत्ते को नहीं काटता। आपने उसके खिलाफ आपने एक जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया। जस्टिफिकेशन तो मैं तो दे रहा हूँ, आप ही ने बोला न्यूज में हर जगह आ रहे, हजारों कुछ जो न्यूज चैनल आ रहे हैं, लेकिन उसमें सब आप आ रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप देखे नहीं है, दोबारा देख के आइए आप। So, आपका फाइनल टेक क्या है सर इस बिल पे? फाइनल टेक क्या है ना, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बिल जो है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और किसानों के खिलाफ है। कौन कौन पालेगा जो गाय दूध नहीं दे रही, उसे पालेगा कौन? 15 लाख गाय निकलते हैं रियासत के अंदर। बैल है, 2 साल किसान चला सकता है, 2 साल के बाद वो नहीं काम करता, वो बेचना चाहता है, कोई खरीदने वाला नहीं, तो फिर किसान जहर खा के मरेगा।